प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान में इस समय लगातार चुनावी सरगर्मियां चल रही थी और अब फिलहाल चुनावी सरगर्मियां केवल उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव पर जाकर खत्म होंगी जब उनकी घोषणा हो जाएगी। फिलहाल गुजरात चुनाव, हिमाचल प्रदेश चुनाव, एमसीडी चुनाव और साथ ही साथ लोकसभा का उपचुनाव मैनपुरी और विधानसभा का उपचुनाव खतौली रामपुर में, सभी के परिणाम आ चुके हैं। परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश के तीनों उपचुनावों में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर दो जगह जीत हासिल हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में आजम युग को ख़त्म करके वहाँ पर भाजपा का युग यानी केसरिया युग की शुरुआत कर दी है, शुरुआत आकाश सक्सेना के रूप में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि गुजरात में बीजेपी ने अपने 27 सालों से चली आ रही बादशाहत को यहाँ पर कायम रखा है, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को भितरघाट का सामना करना पड़ा और बागी लोगों के चलते बीजेपी ने हिमाचल में सत्ता गंवा दी। फिलहाल कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय और है कि इन चुनावों के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी रहे। अभी हाल का ही जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो ये है कि कन्नौज से सांसद और भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच इस समय संघर्ष जारी है, जुबानी संघर्ष जारी है। कैसे कि जब सुब्रत पाठक ने कहा कि शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी से बीजेपी का टिकट चाह रहे थे, तो अखिलेश यादव को ये बात खराब लगी और उन्होंने कहा कि जो संसद में खैनी और पान खा के बैठते हों वो संसद में इस व्यवस्था को ख़त्म करें और कम से कम खैनी और पान से परहेज करें, अगर वो अपना दिमाग और व्यवस्था कन्नौज के विकास में लगाएंगे तो सारा बेहतर होगा। और तो वहीं पर सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को कहा कि थोड़ा सा बेहतर करते हुए यहाँ पर जो वोट का पीते हैं वोट का छोड़ दें, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। खैर, हमारे देश जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पर इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति और भारतीय राजनीति की सुचिता को ख़राब करती है, पर हमारे नेताओं को इससे कोई परहेज नहीं है। सत्ता आनी चाहिए, आरोप चाहे कुछ भी हो, प्रत्यारोप चाहे कुछ भी हो। जब हमारे देश में रावण, सूर्पनखा, मौत के सौदागर, तालिबानी सरकार, चौकीदार चोर है, जिस तरह के तमाम तरह के बयान हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर इन बयानों का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। पर चूंकि संघर्ष है तो संघर्ष में यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। फिलहाल एक बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला कम से कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए बात नहीं कर सकते। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया या वो आसपास क्यों नहीं बनाया? अब जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं। किस तरह से यहाँ बयानबाजी का दौर जा रही है। क्या नतीजे कुछ भी आए हों, पर नतीजों के बीच में जिस तरह से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है, वो बात एक बात स्पष्ट करते हैं कि कुछ भी हो हमारे देश में चर्चा बनी रहती है और चर्चा फिलहाल चल रही है सुब्रत पाठक अखिलेश यादव पर। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कंचन द्विवेदी प्रवक्ता भाजपा के रूप में पक्ष रखेंगे और नेता सपा के रूप में विवेक पांडे भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तो मेरा कंचन जी से रहेगा। कंचन जी, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक के लिए कहा कि खैनी चबाते रहते हैं और संसद में कन्नौज के विकास की बात नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं है, पहले उससे फुर्सत पाए उसके बाद काम करें, तो सुब्रत पाठक ने भी यहाँ पर अखिलेश यादव से कहा कि बोर का छोड़ दें जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, पर भारतीय राजनीति में बयानों की क्या तरजीह देंगी, कैसे कर जाएंगी इस पर? जी गौरव जी, देखिए ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे की खिंचाई है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है व्यक्तित्व के हिसाब से। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, कबीरदास जी ने बोला हुआ है, निंदक नेर राखिए आंगन कुटी छबाए। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो बोटका छोड़ दें। अच्छा। और वो खैनी छोड़ दें तो संसद बन जाएगी और अच्छे व्याख्यान, अच्छी चीजें, अच्छे नियम निकल पाएंगे। तो ये बात तो मैं एक प्रवक्ता ना होने के नाते भी कह सकती हूँ, बीजेपी के नाते नहीं, ये पर्सनली कह सकती
सकती हूँ कि ये बात बिल्कुल होनी चाहिए, दोनों ही लोग अपनी अपनी कमियों को छोड़ें तो फिर हमारे भारत में एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा, नेता अच्छे मिलेंगे, विपक्ष के लोग भी अच्छे मिलेंगे, पक्ष के लोग भी अच्छे मिलेंगे, सत्ता दल भी अच्छा होगा और विपक्ष भी अच्छा होगा, तो फिर कहना ही क्या बात है। लेकिन खैर, मैं इस तरफ ना जाते हुए मैं बहुत ही गंभीर बात करूंगी कि ये सारी चीजें जब आती हैं, जब हमारे पास किसी प्रकार से कोई कमियां होती हैं या फिर हम कोई काम करने योग्य जी, हम ये छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं, हम ये तुच्छ टाइप की बातों को करते हैं, इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। आप जीत गए हैं, आपको अगर मैनपुरी की बात बताई जा रही है या फिर आदरणीय मुलायम सिंह जी की जो एक श्रद्धांजलि के रूप में जो डिंपल यादव जी को मिला हुआ है, अगर उस पर ध्यान दे करके वो काम शुरू कर देते और ये टिक्का टिप्पणी करने के अलावा, क्योंकि जो वो जीते हैं वो कुछ और नहीं है, बस केवल मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि है, इसलिए उसको बहुत अभिमान के तौर पर इस जी को नहीं देखना चाहिए, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको कुछ ऐसी योग्यता मिल गई है या ऐसा कुछ जीत के तरफ, नहीं नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े नेता थे उनके पिताजी और उनके रूप में वो श्रद्धांजलि है बस एक बार, तो इसको उन्हें इसी तरीके से देखना चाहिए। बहुत चिल्ला चिल्लाई या फिर बहुत राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रेम के साथ में अपना काम शुरू करें और वो अब दिखाएं कि अब वो नेताजी के बाद में क्या कर सकते हैं। उनको एक अच्छी खासी सीट मिली है, वो अपने आप को निखार करके बहुत अच्छी तरीके से अपना स्वराज, अपनी वहां पर चीजें, क्योंकि अपना व्यक्तित्व तो होना चाहिए ना, ये तो नेताजी का है। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ पर जीत हासिल हुई है मैनपुरी में, बड़ी जीत यहाँ पर हासिल हुई है, तो इसमें यानी अखिलेश जी का और सपा का बहुत यानी योगदान नहीं है, डिंपल यादव का योगदान नहीं है। अगर नेताजी अगर ये सीट सहानुभूति के हिसाब से ना जीती जाते तो जीत नहीं पाते, ऐसा भी बिल्कुल बात, ये बिल्कुल सही बात है और ये केवल सहानुभूति के तहत तौर पर यह है, ये नेताजी के लिए है। अखिलेश यादव का इसमें कोई भी वर्चस्व नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है, ये आगे का इनको चुनाव ये प्रमाणित कर देगा कि ये केवल नेताजी के लिए था और केवल नेताजी की श्रद्धांजलि पर था। अखिलेश यादव का इसमें कोई भी रोल नहीं है, डिंपल जी का कोई रोल नहीं है। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ये इसी प्रकार की बेतुकी बातें करते रहे, इनको अगर यही खैनी गुटखा और भगवान पत्थर रख दो तो कहीं पे भी प्रकट हो जाते हैं वाली ऐसी स्थिति करेंगे ना, तो वही स्थिति आ जाएगी जिस समय नेताजी के द्वारा मुलायम सिंह जी ने जिस प्रकार से राम भक्तों को गोलियां चलवाई थी ना, उसी प्रकार की स्थिति उनके पास एक फोन तक नहीं बसता था जब वो प्रक्रिया हुई थी उस टाइम पर, तो ऐसे ही अखिलेश जी के साथ भी हो जाएगा। अभी जो आपको मिला है उसे धरोहर के रूप में स्वीकार करके अपना प्रभाव, अपना व्यक्तित्व, अपनी चीजें, अपना अस्तित्व बनाने की आवश्यकता है, ना कि ये गुटखा खैनी करने की आवश्यकता। विवेक भाई, भाई सहानुभूति का वोट मिला है आपको, जीत नहीं पाते, नहीं तो यहाँ अखिलेश जी का कोई प्रभाव नहीं रहा है। कंचन जी का स्पष्ट कहना है कि अगर नेताजी वाली बात यहाँ पर नहीं होती तो आप जीत नहीं पा रहे थे मैनपुरी, कैसे देखते हैं आप? जी कंचन जी, भारत भाजपा की प्रवक्ता हैं, उनको भी विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने मुखारविंदों से इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए आंखें खोलने का काम किया है। ये तो सत्य है कि नेताजी हमारे थे, हैं और रहेंगे, वो तो आजीवन रहेंगे। जी भाई, आपको वो दिन भी याद होगा, एक यात्रा निकली थी देश में अटल जी के नाम। मुझे गौरव जी उनकी आवाज कम आ रही है, प्लीज बढ़ा दीजिए। इनकी आवाज सही कराई है विवेक भाई जी। अटल जी के सिद्धांतों को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, नौ राज्यों में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने वाले, आज अगर बात करते हैं सिद्धांतों की, तो मुझे लगता है यही अटल जी थे जिन्होंने सदन में कहा था कि ऐसी सरकारों को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं, किसने शुरू की थी ये परंपरा? भाई सदन में जब जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिम्मेदार लोग हैं, भाजपा नैतिकता की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, सिद्धांतों पे चलने वाली एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जैसा कि बताते हैं। भाई एक सदन की फोटो हम नहीं जानी, जिसे हमारी आधिकारिक ट्वीट से क्या था, जिसमें की आपको याद होगा, एक जनता की समस्याओं की चर्चा करने की जगह या जनता की समस्याओं को सुलझाने पे समाधान ढूंढने की जगह, और एक बैठ करके जी जी है कि सदन को किसने किसने सदन को मनोरंजन का अड्डा बना रखा है, अड्डा बना रखा है। अच्छा जी, वो तो इनको सोचना चाहिए, जब झांसी से भाजपा के विधायक तंबाकू खा रहे थे सदन में बैठ करके, और सबसे बड़ी बात है इन्हीं के एक जी जी जी
आवाज नहीं आ रही गौरव जी उनकी। जी बेबी जी की आवाज कंजल जी आ नहीं रही, तो आवाज ठीक की जाए। तो मेरी बात कट गई, मेरी बात आ जाए। जी बोलिए। मेरी बात आ जाए जी। तो मुझे लगता है कि सदन में जिस तरीके से इन लोगों ने सदन की परंपरा को पहले ही मजाक बना डाला था, और जिस तरीके से झांसी के विधायक इनके बैठ के तंबाकू खा रहे थे सदन में, या एक विधायक इनके वीडियो गेम खेल रहे थे, तो ये तो इनको सोचना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्या कहा, एक कहावत आपने सुनी हो कि अंकुर ना मिले तो खट्टे हैं। अच्छा भाई, ये परंपरा किसने शुरू की? भाजपा के एक नेता ने, आपको याद होगा, किस तरीके से हरदोई में एक मंदिर के कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में एक समाज के शराब बंटवाई थी। अच्छा। और किस तरीके से आज इनके पार्टी में एक बहुत बड़े नेता है जो कि कभी निकाले गए थे समाजवादी पार्टी से, जी। तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि भाई मर्यादा, शिष्टाचार और परंपरा की बात वो लोग करते हैं। अच्छा। और कल तो देखिए, सबसे बड़ी बात, कंचन जी हो, आप हो, चाहे मैं हूँ, मैं तो सोचने पर विवश हूँ कि हम लोग तो कांग्रेस की गलती है ना। अच्छा। कल जिस तरह रवि किशन ने इतना निकृष्ट बयान दिया है एक मंच पे बैठ करके, उपहास पूर्ण लगता है कि भाजपा की स्थिति क्या हो गई है, क्या थी, क्या हो गई। अच्छा। अटल जी के समय सिद्धांतों की बात करने वाले, महिलाओं को सम्मान देने वाले, महिलाओं के नैतिकता का सम्मान नहीं मिल लगा, महिलाओं करने वाले, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल लगा, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा क्या? नहीं नहीं, कल तो मैं तो कह रहा हूँ ना, कल रवि किशन जी ने बहुत सम्मान दिया। अच्छा। सदन में जिस तरीके से मंच पे बैठ करके अगर वो बयान भी कंचन जी स्वीकार कर ले, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा। रवि किशन जी ने जिस तरह के कल निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया, और कुछ दिन पहले रामदेव ने जो कहा था उस पर भी भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गौरव भाई। हाँ। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आज अगर जिस तरह के बयान रामदेव या रवि किशन ने दिए, आजम खान जी ने एक बयान दिया था महिलाओं को लेकर के, उनके मुंह से कुछ निकला और तुरंत एफआईआर। अच्छा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, निष्पक्षता कहाँ गई? अच्छा। क्या कंचन द्विवेदी जी रामदेव बाबा के बयान को सही मानती हैं? क्या कल रवि किशन के बयान को सही मानती हैं? अगर मानती हैं तो मैं मान लूंगा कि सभी कांग्रेस की गलती है, हमारी जनरेशन। अच्छा, अगर, अगर, है। अगर बयान गलत है तो आप ही कुछ कर लेते, सपा के आप प्रवक्ता है, आप ही एफआईआर करते रामदेव खिलाफ। बाबा, हाँ, मैं इसका जवाब दे दूं जी। बाबा रामदेव के खिलाफ तो मैंने खुद तहरीर दे रखी है गाजीपुर थाने में। अच्छा। 29 तारीख की दी हुई तहरीर है मेरी, अभी जस्ट SHO से बात हुई है। हाँ। उन्होंने सोमवार का समय दिया है। अगर वो नहीं करते हैं FIR तो मैं तो 156 दिन मूव करूंगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान को लेकर के ये लड़ाई जो है राजनीतिक नहीं है। अच्छा। ये संस्कारों की भी लड़ाई है। हम जिस परिवार से, जवाब ले, जवाब ले, महिला किसी के परिवार की हो, हम उसका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने, आपने एक पूछा कि आपने क्या किया, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता रखा है, और मैंने आपको शायद इस पे आपने खबर भी चलाई थी जी। तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंचन द्विवेदी जी बतौर भाजपा प्रवक्ता क्या इन बयानों को समर्थन करेंगे? भाई पूछ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, कंचन जी जवाब दीजिए भाई जी। जी, फर्स्ट पॉइंट, मैं बिल्कुल भी रामदेव बाबा की बात से सहमत नहीं हूँ, और ये मैं एक महिला होने के नाते कह रही हूँ। और दूसरी बात, अगर ये बात वो स्वीकार करते हैं कि नेताजी ने जो बलात्कार के बारे में बोला था और बेटियों के बारे में बोला था, अगर वो गलत बोलते हैं, तो मैं इस पर बिल्कुल सहमत हूँ कि रामदेव बाबा ने बिल्कुल ही गलत बोला, और मैं पहले ही बोल रही हूँ कि गलत, तो क्या वो स्वीकार करते हैं, और उनके लिए क्या वो FIR करवाते हैं कि जो मुलायम सिंह जी ने बोला था, वो जो बलात्कार के लिए बोला गया था, आजम खाने संसद की सभा में बैठ करके एक महिला के अंग वस्त्रों का भी रंग बताया था, एक बहुत ही विशिष्ट महिला के अंग वस्त्रों का रंग बताने की बात कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ इन्होंने FIR की? क्या नेताजी के खिलाफ इन्होंने FIR की? क्या उन लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR की जो एक गांव में 5 महिलाओं को नग्न करके नंगा घुमा रहे थे, और उस टाइम इनके 10 नब्बे काम आया था, ना कि इनके कोई नेता काम आए थे, क्या उनके खिलाफ इन्होंने FIR की? अगर ये उनके खिलाफ FIR करने के लिए तैयार है, तो मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ऐसे लोग हमारे यहाँ बिल्कुल मान्य नहीं होते, और रामदेव बाबा भारतीय जनता पार्टी से नहीं आते हैं, वो एक संत है, उनको अपनी संत की मर्यादा में रहना चाहिए था। ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये बिल्कुल ही सराहनीय बात नहीं हो सकती, बहुत ही निष्क्रिय बात है जी। ठीक है, बेबी भाई कुछ जब कहना चाहे, बड़ी बेबी भाई। नहीं, ये पहले अपनी बात उनकी आ जाए, इसलिए आज वाद विवाद का विषय नहीं, इन्होंने तर्क उठाए। ये शायद उस साध्वी के बयान भूल गई जो भाजपा की बड़ी नेता है, जिन्होंने कहा था लड़कियां पहले खुद को सौंप देती हैं फिर आरोप लगाती हैं। अच्छा। और उसके बाद रामदेव की बात इन्होंने किया, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, इन्होंने सारी बातें गौतम कुमार से लेकर उस बात की बातें की, रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
जी आपने समर्थन नहीं किया, ये अच्छी बात है। हाँ। लेकिन जहाँ तक बात कार्रवाई की है, भाजपा के प्रवक्ता आजकल एक बहुत बड़े प्रवक्ता है, जिस तरीके की ओसी ट्वीट और ओसी बयानबाजी वो कर रहे हैं परिवारों को लेकर के, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने रामदेव से कार्रवाई नहीं की, कल आपने जो रवि किशन जी ने एक बयान दिया उसका भी खंडन नहीं किया है, तो भाई इसमें भी बात हो जाए ना विवेक भाई। एक तरफ तो आप शिष्टाचार की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि आप ही के नेता खड़े होकर करोड़ों की गर्लफ्रेंड किसी की विधवा ऐसे शब्दों से जब नवाजते हैं और आप उसको आत्मसात करके जब उसकी मिसाल कायम करते हैं, तो भाई सरकार में आप करिए भाई। विवेक भाई, अरे विवेक भाई, कंचन जी बोल रही है कि आजम खान जहाँ अंतर्वस बता रहे थे वहां पर आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई, एक महिला के अंतर्वस बता। अरे मैं तो कह रहा हूँ कंचन जी की सरकार आई आजम खान जी पे, इस पे भी एफआईआर क्यों नहीं कराई, आप करवा दिए। अरे मैं पूछ रहा हूँ ना, आजम खान जी को समाजवादी पार्टी अगर बचा रही थी तो 83 बकरी चोरी भेड़ चोरी की एफआईआर इसमें भी एफआईआर करवा देती, कंचन जी आके आके एफआईआर करवा दी, कंचन जी से तो आज तक आवाज भी ना उठाई, लेकिन रामदेव के लिए हम तो खड़े हो गए, हम तो कंचन जी के ऐसे लोगों के अस्मिता की रक्षा के लिए खड़े हो गए। गौरव भाई, तो हमने जो मुद्दा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, वो कंचन जी जैसी कई लड़कियां, इस देश की कई महिलाएं जिनकी भावनाएं आहत हुई है, उन सबकी लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ आगे बढ़ के। मैं तो कंचन जी से विवेक भाई, विवेक भाई आप मेरी लड़ाई में सहयोग कीजिए रामदेव जी के खिलाफ। कंचन जी कह रही है आपको महिलाओं से महिलाओं का सम्मान का इतना ख्याल है, तो आजम खान के खिलाफ आप ही एफआईआर करा दे, चलो आपने क्यों एफआईआर। मैं तो आपके साथ हूं रामदेव के लिए, मैं भी तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मोदी जी के खिलाफ कंचन जी एफआईआर करा दे, मैं आजम खान जी के खिलाफ करा देता हूँ। अरे वो रामदेव के खिलाफ करने तैयार है आपके साथ भाई, वो कह रही है, वो कह रही है, सुन लीजिए विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक भाई, विवेक भाई, कंचन जी कह रहे, कंचन जी कह रही है कि आप आजम खान के खिलाफ एफआईआर कराएं और वो रामदेव के खिलाफ एफआईआर कराने में आपके साथ है, सपोर्ट करेंगे आप। वो सुन लीजिए, अब मैं इस पे आ जाऊं, बोलिए। तो मैं तो कह रहा हूँ साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ भी कर लेते हैं, उन्होंने कहा था लड़कियां अपने आप को सौंप देती हैं, अच्छा, और उसके बाद आरोप लगाती हैं, तो उनके ऊपर भी कराई जाए, उनके ऊपर भी कराते हैं, चलिए कंचन जी आइए मिलकर करते हैं, दोनों के ऊपर करवाते हैं, अच्छा, आपके भाजपा के नेता पे भी और सपा के ऊपर, सपा के नेता को तो वैसे ही आप लोगों ने तैयार किया रखा है। अब बताइए तैयार होती है, ये समझ नहीं आ रहा है भाई। आप ये कह रहे हैं भाई, आप ये क्यों कह रहे हैं कि यानी सपा के नेता आजम खान को आपने वैसे ही बंद करके रखा है, बंद करके रखा है क्या जी? जी मैंने एक सवाल पूछा कि 84-85 एफआईआर में एक एफआईआर इनकी तरफ से कोई नहीं खड़ा हुआ आजम खान जी पे इस विषय पे कर रहे हैं, लेकिन जब बात राजनीतिक तर्कों की, मुद्दों की, विवाद की होती है या इस तरह की विषय की होती है, तब इन बातों को केवल और केवल माहौल बनाने के लिए खड़ा करते हैं। अरे हमने तो माहौल नहीं बनाया, हमने तो रामदेव पे एफआईआर कर दी थी, हम तो जाकर के थाने पे एप्लीकेशन दे आए, और सबसे बड़ी बात सुनिए ना, सरकार इन्हीं की है, इन्हीं की सरकार है, गाजीपुर थाना लखनऊ इन्हीं की सरकार है, 1 हफ्ते 29 तारीख की दी हुई तहरीर पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप सोच लीजिए इनकी कार्यप्रणाली, ये बात तो करते हैं कार्रवाई नहीं करते, अच्छा ये बात तो करते हैं, कंचन जी आज बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रही है, 29 तारीख की मेरी दी हुई तहरीर व्यक्तिगत तहरीर नहीं है, वो तहरीर इस देश की महिला सम्मान को लेकर के है, लेकिन बाबा रामदेव से मोटा चंदा लेना है, अच्छा। बाबा रामदेव का इस्तेमाल करना है राजनीति के एजेंडा चलाने के लिए, वरना मैं तो पूछ रहा हूँ ना, योगी की सरकार है, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हुई बताइए ना, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, जब मेरी तहरीर पे कार्रवाई हुई तो आप सोचिए एक आम जनमानस की शिकायत पे कार्रवाई क्या होती होगी, आप उसको लीजिए गौरव भाई जी, एफआईआर मत करें, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी, कम से कम डिबेट में बैठकर ये तो बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे आप, बोलिए भाई आप लीजिए, ये हमसे बुलवाना चाह रही है, अपने मुंह से तो आवाज निकल, मैंने पूछा कि रवि किशन के बयान को समर्थन कर रही है क्या, बताइए ना, क्लब्स नहीं बोल पाएंगे आप, कांग्रेस की गलती है, मैं कांग्रेस की गलती हूँ गौरव भाई, कांग्रेस की गलती है, बताइए ना, आपने अपने नेता के बारे में एक शब्द नहीं कहा, दूसरी बात अंकुर न मिले तो कटते, चाचा जी को लेकर के जिस तरीके से ये लोग डिफेंसिव हो रहे थे, आज चाचा जी के ऊपर जांच की बात करते हैं, आज चाचा जी की जांच की जांच कौन दी, भाई बोगला चरित्र गौरा चरित्र किसका है गौरव भाई, और अटल के सिद्धांतों पे बात कर लेते हैं ना, अटल जी के सिद्धांतों पे बात कर लीजिए, चिमटे से जोर तोड़ की सरकार को न छूने वाले अटल जी 9 राज्यों में जिस तरीके से ये सरकार बना करके बैठे हैं, जोर तोड़ की विधायकों की खरीद फरोख, ये क्या वही भाजपा है जो सिद्धांतों की नैतिकता की बातें करेगी, 45 साल जिससे इस देश के
तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, उनका थिंक टैंक भाजपा का आरएसएस, जिसने इस देश के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। अगर कोर्ट के फटकार नहीं पड़ती तो शायद वहां तिरंगा कभी लगता भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक के इनके नेता ने बयान दिया था कि भगवा इस देश का राष्ट्रध्वज बनेगा। अच्छा, भगवा इस देश का राष्ट्रध्वज बने, हमें भगवे से आपत्ति नहीं है। अच्छा, लेकिन जब आप धर्म का आडंबर ओढ़ करके इस तरीके से ध्रुवीकरण करेंगे, हमारे हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, तब हम आपत्ति दर्ज। जवाब लेता हूं कंचन जी, आप ना हिंदू धर्म बचा पाए, आप ना मुस्लिम धर्म, मुस्लिम तो आपके वैसे टारगेट पे रहते हैं, आप तो हिंदू धर्म देवे भाई, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम आपको निशाने पर रहते हैं, को मरवाया हो वो हिंदू धर्म जानेंगे। मुलायम सिंह जी कह रहे थे बाबरी मस्जिद में कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, मैं गोलियां चलवा दूंगा, वो हिंदू धर्म बताएंगे। हां बोलिए कंचन जी, बोलिए बोलिए कंचन जी, बोलिए। नहीं, ये लोग हिंदू धर्म बताएंगे, आप बोल लीजिए पहले। ये बता रहे हैं ये जो मुसलमानों के पैरोकार हैं, ये एमआई वाले लोग हैं, ये जो राम भक्तों को मारने वाले लोग हैं, ये जो बलात्कारी लोग हैं, ये जो बलात्कारियों के सपोर्ट वाले लोग हैं, ये जो लोग संसद में बैठ करके महिलाओं की बेइज्जती करने वाले लोग हैं, वो बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या होता है, तमीज क्या होती है, सभ्यता क्या होती है। पहले आप जाइए अपने अध्यक्ष को सिखाइए, अपने इस पार्टी को सिखाइए, आजम खान को बताइए कि क्या होती है तमीज, तब ये बात करिएगा। भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजें बिल्कुल ही सूट नहीं करती, और चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई उसका अपना व्यक्ति हो या फिर कोई विरोध का व्यक्ति हो, सारे नियम कानून एक जैसे एक बराबर होते हैं। जो आदमी गलत है वो गलत है, भारतीय जनता पार्टी की निगाह से हमेशा वो गलत होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल भी नहीं करती जो समाजवादी पार्टी करती है कि भाई जो हमारा है वो बिल्कुल साफ है और जो गलत है जो वो भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। देश है यहाँ पर सब साफ चीजें चलती हैं, ये राजनीति में ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिनकी राजनीति इतनी गंदी होती है वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, तो जी से दिखने जैसा है और यथार्थ है और प्रमाण। जी जी ठीक है कंचन जी, जी जी गौरव जी, जी बोले विवेक जी, जवाब दीजिए कंचन जी बात का। जी गौरव जी, मैंने कंचन गौरव भाई, मैंने कंचन जी की पूरी बात सुन ली बिना इंटरप्शन किए, क्योंकि बात बड़े गंभीर विषय पे है जी। अब मैं बता दूं जरा, कुछ दिन पहले योगी जी की सरकार में एक थाने में बलात्कार की घटना सामने आई थी, और अभी 2 दिसंबर को फिर मेरठ के एक थाने में एक महिला के साथ बलात्कार होता है पुलिस कर्मियों द्वारा, और उसी पे रंगदारी का मुकदमा लगा के जेल भेज दिया। कंचन जी को महिला सम्मान का घोषणा पीट रही है, जरा कंचन जी पहले अपने बगले झांक ले, क्या कंचन जी, नहीं ये सर पीटने से नहीं होता है ना, जब आपके ऊपर की आपका सत्य सामने आता है तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आपके राज्य में पुलिस थानों में जिस तरीके से बलात्कारों की घटनाएं आ रही है, ये कोई पहली घटना तो है नहीं। गौरव भाई आपने भी खबर चलाई है, मेरठ में जिस तरीके से पीड़िता के साथ ही बलात्कार हुआ उसी पे रंगदारी का मुकदमा करके जेल भेज दिया जी। और सरकार इनकी क्या है, महिला सम्मान की बात करती है, ये कह रही थी कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिखाए, चलिए ठीक है आप मोदी जी को सिखा दीजिए ना, मंचों से खड़े होकर के जब महिला प्रलाप करते हैं वो करोड़ों की करते शब्दों की बात करते हैं। नहीं नहीं, अच्छा। नहीं अगर बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ऊपर आएगी तो जवाब तो लेना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अयोध्या का उदाहरण दिया, कार्तिकेय का क्या कर दिया, कार्तिकेय के लिए आज तक बात पड़े सबसे ज्यादा कर्जे पाने वाले राजनीतिक दल, कितने कार्तिकेयों के परिवारों को पेंशन दिया गया, कितने कार्तिकेयों की मूर्तियां लगवा दी, कितने कार्तिकेयों के परिवारों को अयोध्या में बसा दिया, कितने कार्तिकेयों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा या हायर एजुकेशन फ्री दे दी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कार्तिकेयों के परिवारों को जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दे दी। कंचन जी कार्तिकेयों का इस्तेमाल केवल बरकरार करके उनको उपचार करके एक राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए आप लोगों ने किया, जो लोग उस दिन लीड कर रहे थे उस आंदोलन को, किसी एक को चोट ना लगी, इनके किसी एक नेता को गोली ना लगी, लेकिन कार्तिकेयों को उपचार करके उन्माद के बदल के जिस तरह भ्रमित करके उन मासूमों को मरवाया भाजपा ने, लेकिन यही बता दे हमने तो रॉयल ऑर्डर की सिचुएशन पे काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, लेकिन मैं पूछता हूँ कार्तिकेयों के परिवारों के लिए भाजपा ने क्या किया। आइए कंधे पाने वाली राजनीतिक दल कितने परिवारों को पेंशन दे रही है, समय पूरा, अरे बताइए ना जी, समय पूरा है, फाइनल कमेंट दीजिए कंचन जी, पहले आप बोले फिर विवाह के लेता हूँ जी। कंचन जी बोलिए जी,
जी, मैं बस यही कहूंगी कि ये अंतर कितना है डिफरेंट भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में कितना है, ये हम सब जानते हैं। जब उनकी सरकार होती थी तो हर शाम हर सुबह ये रहता था कि 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, और सुबह में जब तक सुबह दिन नहीं उग जाता था तब तक कोई बाहर नहीं निकलता था। ये व्यवस्था इनके शासन व्यवस्था में थी, और बलात्कार कब कहां कैसे होते थे ये किसी से छुपा नहीं है। जहां पर नग्न करके बेटियों को घुमाया जाता हो वो व्यवस्था सब जानते हैं, किस प्रकार से गुंडा भी चलती थी, किस प्रकार के लोग वहां पर काम करते थे, ये सब लोग जानते हैं। और इनकी व्यवस्था को ध्वस्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2-2, 3-3 बार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जनता स्वीकार कर रही है। इसकी एक अपनी व्यवस्था है, क्योंकि हमने जनता को वो सारी चीजें दी हैं जो कि उनकी जरूरत थी, चाहे वो मकान हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार से उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, मुद्रा योजना के द्वारा हो, लोन के द्वारा हो, उनके कोरोना के टाइम पर चाहे वो बैंक में पहुंचाए गए महिलाओं के लिए अलग से उनकी पैसों की सहयोग राशि के द्वारा हो, या फिर और भी व्यवस्था जो शौचालयों के द्वारा है, जो महिलाओं की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, उन सारी चीजों के द्वारा हो, हमने हर तरीके से जनता को सपोर्ट किया है, जनता की हर एक कमियों को पूरा किया हो, हर घर नल के द्वारा पहुंचाने का काम किया है। तो हमने तो सभी चीजों को देखा है, गुंडागर्दी नहीं करते हम लोग, काम करते हैं, और काम करते हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश चुन रहा है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी बहुमत के साथ में हम लोग हर जगह आ रहे हैं और हर जगह अपने परचम को लहरा रहे हैं और लहराते रहे। ठीक है, बेबी भाई फाइनल कमेंट दीजिए। भाई देखिए, इनकी बात सही थी, मैं तो स्वीकार करता हूँ। हमारे राज्य में घटनाएं होती थी, इनके राज्य में तो सीधे चीरहरण होता है। अच्छा। चुनाव से लेकर के फिरोजपुर की घटना अगर आपको याद हो, किस तरह बलात्कार के बाद 2 किलोमीटर तक नग्न अवस्था में वो बच्ची घर अपने खुद गई चल करके, और लोग वीडियो बनाते रहे, शर्मसार करने वाली घटना। लेकिन क्या करें भाई, भाजपा में जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उसकी गलती से नंबर बढ़ जाते हैं। बोलिए आपका मैंने मंत्री और रही बात एनसीआर की, पूरे देश में महिलाओं के होने वाले सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश पंक्ति पहली पंक्ति पे है। दूसरी बात, चरित्र और नैतिकता की बात करते हैं, अर्जुन जी को थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जिस तरीके की घटनाएं इनके राज्य में हुई, हाथरस जगह पर, बदायूं को लेकर, हाथरस को लेकर, लखीमपुर को लेकर, एक से एक उदाहरण जो ये बात करते ही कर रही थी, सम्मान की या सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की। इनके राज्य में तो पुलिस कर्मी आत्महत्या करने पे मजबूर है। पुलिस कर्मियों के आंकड़े ये नहीं दे पाएंगे, अगर 19 से लेकर अभी तक के आंकड़े मान लो कितने पुलिस कर्मियों ने आत्महत्या की, इनको पता ही नहीं होगा। अच्छा। इनको यही नहीं पता होगा कि आत्महत्याएं क्यों हो रही है, पुलिस कर्मी आत्महत्या कितनी महीने में कितनी बार कर ले रहे हैं, कितने पुलिस कर्मी मर रहे हैं, क्योंकि इससे सरकार नहीं है, कागजी सुशासन है। कंचन जी, कागजी सुशासन है, लेकिन थोड़ा होमवर्क किया कीजिए। उत्तर प्रदेश की जमीन की मुद्दा ये है, अब कंचन जी ने बात उठाई तो जवाब तो देना पड़ेगा गौरव भाई, वरना आप कहेंगे जवाब नहीं दिया मैंने, फिर आपको टीआरपी नहीं मिलेगी। अब देखिए, तो नहीं, जिस विषय पे आपने मुद्दा रखा था, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, जिस तरीके के भाषा का, स्तरहीन भाषा का 2012-14 से भाजपा अगले सरकार में आने के बाद जो एक परंपरा शुरू की है, उस पे इनको लगाम कसती की है। पार्लियामेंट्री शब्दों को लेकर कुछ दिन पहले एक कमेटी बनाकर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, और बता देता हूँ, आपके 37 नेताओं को, आपके 37 नेताओं को आपकी आईसीसी ने, भाजपा के आईसीसी ने चिन्हित किया था, जिनको आपकी पार्टी की ओर से हिदायत दी गई कि धर्म के विषय पे बोलने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते थे। आपके आईसीसी की रिपोर्ट है ये, आप एक्चुअली थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। आपने ही नेताओं को आपकी पार्टी खूब फटकार लगाई थी। जी आदम क्या करते हैं, क्या कहा था जी भाई, देखिए किसने क्या कहा था गौरव भाई, इसी पे बात हो जाए। मैं आपको ऐसे से मैं भी बयान याद दिला देता हूँ, कंचन जी भी याद दिला दे, जब इनके 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 मंत्री अमित शाह जी ने कहा था लड़कियां रात को 12 बजे गहने लाद कर घूम सकती है, और अभी कुछ दिन पहले 2-3 वीडियो वायरल हुए जिसमें घर से छीन के ले गए। तो ये सब बातें देखिए, बयानबाजी से सुशासन नहीं चलता है। मैं तो इनको सुझाव देता हूँ, ये सुझाव नहीं देते, ये तो समझते हैं। मैं तो कितनी बार कहता कंचन जी, अपने भाजपा के भाषा शैली समझिए, ये जो आप सुनने बाद जो अभिनेताओं को डाल करके आपने भाजपा के राजनीतिक दल की मर्यादा को गंदा करने का काम किया, भ्रष्टाचार चाहिए। रवि किशन के बयान से मुझसे आवाजें निकल रही है, ठीक है ठीक है, क्या ये किसकी गलती है, कांग्रेस की गलती है क्या, मैं और कंचन जी कांग्रेस की गलती है, गौरव भाई आप कांग्रेस की गलती है क्या, कल रवि किशन ने क्या बयान दिया था मंच पे बैठ करके, कल रवि किशन ने जो मंच पे बैठ के अपमानित किया देश की जनता को, नागरिकों को, अरे तो कहा है कि अगर कांग्रेस जनसंख्या निर्देश कानून ले आती तो इतने बच्चे नहीं होते, तो कहा भाई उन्होंने कहा है कांग्रेस, याद होगा आपको, जब यही कांग्रेस जब पहली बार
पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे नसबंदी कार्यक्रम चला रही थी तो भाजपा ने विरोध किया था। अच्छा, उस समय भाजपा ने विरोध क्यों किया था इसका जवाब देंगी कंचन जी। जी, उस समय इनका राजनीतिक एजेंडा था। और कंचन जी बिल्कुल सत्य है, आपको जनाधार मिला है, आशीर्वाद मिला है। 15 साल तक सत्ता में बाहर रहने के बाद आप जिन मुद्दों पे आए वही मुद्दे आज आपको असहज करते हैं। अच्छा, आप अपने ही बेरोजगारी, रोजगार, उद्योग, इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। महंगाई, विकास, शिक्षा, पेट्रोल डीजल 35 रुपए, इन मुद्दों पे बात करना चाहते। आप दोनों मेहमानों का, ठीक है, हो गया। आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा थी कि जिस तरह से खैनी, गुटखा, पान, तंबाकू और बुर्का पे बयानबाजी चल रही है, शायद कुछ बयानबाजी अब जनता के मुद्दों पर भी हो जाए। बयानबाजी हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर इस तरह की बयानबाजी निश्चित रूप से हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है उसको खराब करती है। सीधा सीधे कहा जाता है, कबीरदास जी ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। जब खुद भी शीतल होइए और दूसरों शीतल करिए। अगर रास्ते में राजनीति करनी है तो मुद्दों की करिए, जनता के मुद्दों की, ना कि पान, गुटखा और बुर्का की। चलते रहिए, मेहनत करिए, बदलाव करते रहिए, और अगर संघर्ष करना है तो धरातल पर करिए, ना कि बयानबाजी से। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।